इलियास, मैं शहर अध्यक्ष महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट। बोलिए, बोलो साहब। यहाँ पे 20 तारीख को अपने भारत बंद के इसमें जो मसला हुआ था, यहाँ पर हम जो कुछ लोगों ने अपने नमाज के बाद नमाज पढ़ के बाहर निकले मस्जिद के, उधर से पुलिस आई तो पुलिस ने उनके लाठीचार्ज चलाई, अपने बच्चों ने कुछ खतराव करे। लेकिन उसमें साहब ऐसा होगा कि अपने जो बच्चों को 48 बच्चों पे एफआईआर हुई, अब उसमें से 100 बच्चों को इतर में बताया उन्होंने, उसमें से साहब जो कलमनुरी शहर में जो आप बच्चों को उठा रहे, तो मैं मजलिस से जुड़ा हूँ, बल्कि साहब सिर्फ मेरे घर के 6 लोग उठा दिए साहब, जेल में साहब सगे भाई, वो हालांकि सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं है, एफआईआर में उनका नाम क्या कर दो, तुम वकील खड़ा करे जी साहब, वकील खड़ा किए, वकील खड़ा नहीं करे सर अभी, क्यों साहब वहाँ पे किसी को आने नहीं दे रहे साहब, वहाँ पे किसको भी आएगी अंदर डाल दे रहे साहब। अरे भाई तुम वकील को तो भेजाओ, तुम्हारा भाई जेल में है ना साहब, उनको इस खदर मार रहे साहब, उनको इसके उनके मुंह में से कानों में से खून जा रहा है साहब, इस खदर उनको मार रहे साहब। अभी जेल को नहीं भेजा है, पुलिस में है अभी? नहीं हाँ अभी पुलिस में है साहब, अभी उन्होंने बोलेगा पुलिस ने अरेस्ट करके लेके चले गए। एक बार लाइन करो। ओके सर। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి మీ కాల్ ను హోల్డ్ లో ఉంటారు, దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి। ఆప్ జిస్ వ్యక్తి సే బాత్ కర్ రహే హై ఉస్నే ఆప్కి కాల్ కో హోల్డ్ పర్ రఖా హై, కృపయా లైన్ పర్ బనే రహే। ద పర్సన్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ విత్ హస్ పుట్ యువర్ కాల్ ఆన్ హోల్డ్। హలో, హా సర్, హా బోలే, ఇంతియాజ్ అలీ సాహబ్, ఇంతియాజ్ సాహబ్ లైన్ పర్ దూసరా లైన్ బోలో तो। जी साहब, अभी यहां पर जो 2 दिन पहले हमारे भाइयों को, 6 भाइयों को एक घर में से उठा के लेके चले गए, दरवाजा तोड़ के, गेट तोड़ के, दूसरी बात साहब उनको इस खदर भी मार रहे कि इसकी कोई इंतिया नहीं है साहब, यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है, अभी भी दिन में से बच्चों को उठाना चालू है, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं है और ना ही उन्होंने कैमरे में आए वाले हैं, ना उनके ऊपर एफआईआर है। तो मेरे भाई किसको बोलना, बोलो इम्तियाज साहब को, पुलिस में उन्होंने बहुत फोन कर दिया सर, मैंने इम्तियाज मैंने वहां पे बोल के एफपी है और दोनों जी साहब, योगी जी साहब, इम्तियाज साहब ने साहब मैंने उनको कॉल करके बताया था बात, योगेश कुमार साहब का एसपी का मैंने उनको नंबर भी दिया, लेकिन साहब नंबर देने के बाद भी इम्तियाज साहब वो लोग उठाना बंद नहीं कर रहे हैं, अपने जो फैमिली है, जो घर के जो मेरे खुद के 6 लोग हैं उनको इस खतर में आ रहे हैं। उनका उनका क्लियर बोलना है कि साहब मतलब जो जो हमारे को सीसीटीवी के अंदर आए हैं तो उसको करते हुए जी सर, हम वही लोगों को। तो सर एक मिनट सर, वो जो उसमें जो 6 लोग हैं ना सर, जो 6 लोग में अगर आपने कोई भी अगर एक भी अगर घर का होगा तो आप उन गुनाह कबूल करने के वास्ते तैयार है साहब, 6 लोग भी अपने नहीं थे सर वो मैटर में। सबसे पहले सर तो मुझे, सर एक मिनट, सबसे पहले तो उन्होंने सर मुझे 1 बजे लिया के वहाँ पे अरेस्ट कर दिए थे, लेकिन उनका जो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक करे, वो एफआईआर चेक करे, उसमें मेरा नाम नहीं मिला, तो मेरे को 2:30 बजे रात को छोड़े सर पुलिस स्टेशन में से, और दूसरे दिन मेरे भाइयों को उठाकर लेके चले गए। और दूसरी बात साहब, कलमनुरी जो 6 भाइया है जी सर जी, उनका पूरी जी हाँ सर, उनको इस खदर मार रहे हैं, उनको अभी चार्ज। अरे तुम नाम भेजाओ, बोले ना SMS नाम करो तुम्हारे भाइयों का, इम्तियाज साहब को तुम बिल्कुल बिल्कुल साहब अभी करता साहब, अभी लगाओ लगाओ बोलना, बोले SMS करो तुम्हारा। ओके सर, थैंक यू सर।